नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के MBBS की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का कहना है कि 2019 बैच के इंटर्न विद्यार्थी है, शासन द्वारा हमें 13,000 रुपए स्टाइफंड दिया जा रहा है जो कि अन्य प्रदेशों से बहुत ही कम है। 4.5 की पढ़ाई करने के बाद जो स्टाइफंड हमें मिलता है उससे गुजारा करना संभव नहीं है, इसलिए शासन से मांग करते हैं कि कम से कम 30,000 प्रतिमा हमें स्टाइफंड मिलना चाहिए। एक ही नारा, 30,000 स्टाइफंड हमारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, 30,000 स्टाइफंड क्या। हम सभी यहाँ आज एकत्रित हुए हैं 2019 बैच के इंटर्न तथा सभी MBBS छात्र छात्रा एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारी डिमांड है कि हम स्टाइपेंड हमारी जो है वो मात्र 13,000 रुपए है, जबकि हमारी फीस पैन इंडिया सारे स्टेट्स में 3rd नंबर पर है, जबकि हमारी स्टाइपेंड लास्ट 3rd नंबर पर है। 13,000 बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, ये हाईली स्किल्ड वर्कर जो होते हैं उनका भी मिनिमम 16,000 वेज होता है, हम लोगों का 13,000 है। हम 450 रुपये भी नहीं, 400 रुपये दिन कमा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1,000 रुपये दिन हो ताकि हम हमारे घर वालों को भी सपोर्ट कर सकें, और ये 4.5 साल की पढ़ाई काफ़ी होती है। इसके बाद हमें ड्यूटी करना रहता है 6-6 घंटे 8-8 घंटे, नाइट ड्यूटी भी रहती है, तब भी ये 13,000 का अमाउंट बहुत नॉमिनल है। हमने पहले मंत्री जी को सूचना दी थी इस बारे में, उन्हें ज्ञापन भी दिया था, पर कुछ भी एक्शन ना होने के कारण आज हमने स्ट्राइक का स्टार्ट की है। थैंक यू। मेरा नाम स्नेही साडा है। चल रहा है जैसा कि इंटर्न डॉक्टर से जो 4.5 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, यूजी पहले नीट यूजी दिया इन्होंने 4.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद भी इनको जब इंटर्न में स्टाइपेंड दी जा रही 13,600 रुपये, 440 रुपये पर डे। आप नॉर्मली एक जो बीटेक वाला इंसान भी होता है जो 3 साल 3.5 साल में अपना कंप्लीट करके उसको भी 23,000 24,000 किसी 2-3 लाख रुपए ऐसे पैकेज मिलते हैं, हमारे डॉक्टर्स को क्यों इतने कम मिल रहे हैं? 13,600 रुपये क्या होता है? आज के ज़माने में डेली वेज वर्कर के भी 500 रुपये पर डे, उससे नीचे वो काम करने नहीं आते। डॉक्टर्स जो इस पूरे समाज की वेशभूषा तैयार करने के लिए तैयार हैं, उनको क्या कहते हैं जो भविष्य के डॉक्टर हैं, जिनको अभी से इनका मनोबल कम हो जा रहा है कि हम इतना पढ़ने के बाद भी हमें क्या कहते हैं हमारी मजदूरी भी नहीं मिल पा रही। हमारी सरकार से यही आग्रह है कि इनकी बात सुनी जाए और जुड़ा जबलपुर इसके सपोर्ट में हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। हम आगे सरकार से आग्रह करें कि ये जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए जिससे हमें ये स्ट्राइक आगे कंटिन्यू ना किया जाए। हम अभी भी स्ट्राइक पे नहीं जा रहे हैं, जुड़ा जबलपुर स्ट्राइक पे नहीं है, हम इनके समर्थन में हैं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रबाबू रजक, जुड़ा प्रेसिडेंट जबलपुर मेडिकल कॉलेज। Oh, my God.